हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर। ब्लैक कलर बहुत ही लिमिटेड वेरिएंट्स के अंदर आपको यहां पर ऑफर किया जाता है ब्रेजा में, जो कि है ZXI और ZXI प्लस, यानी कि टॉप टू वेरिएंट्स के अंदर ही आपको ये कलर स्पेसिफिकली ऑफर किया जाता है। बहुत ही कम ना शोरूम्स वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपके लिए डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो लेकर आया हूँ इसके ZXI मैनुअल वेरिएंट का, ब्लैक कलर के अंदर। टोटल वेरिएंट्स की बात करें तो 4 वेरिएंट्स आते हैं इस कार में, LXI, BXI, ZXI और ZXI प्लस। ये आज हमारे पास इसका ZXI वेरिएंट मैनुअल के अंदर 11.02 लाख रुपीज इस कार का एक शोरूम प्राइस है। बाकी प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 8.29 लाख रुपीज इस कार का प्राइस स्टार्ट हो जाता है और जाता है 14.14 लाख रुपीज तक इस कार के अंदर। ना यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी इंस्टॉल है, तो उसकी बात भी ना हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं, तो जरूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी स्टाइलिश इसकी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती है। ड्यूल LED प्रोजेक्टर्स यहाँ पर इसमें दिए जा रहे हैं। DRLs आप देख सकते हो, रात के टाइम पे कितना अच्छा थ्रो ओवरऑल लगने वाला है इसका। ऊपर यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ये भी LED में। फॉग लाइट इस वेरिएंट के अंदर नहीं आते, बट एज एन एसेसरी इस कार में इंस्टॉल की गई है। आगे यहाँ पर क्रोम इंसर्ट्स भी आप देख सकते हो फॉग लाइट्स की सराउंडिंग्स पर, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। फ्रंट से ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लुक मिल जाएगा इस कार में, एंड यहाँ पर भी ये क्रोम एसेसरीज में लगाया गया है। ये कंपनी में एज स्टैंडर्ड ही आता है, सुजुकी का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से ब्लैक कलर ऐसा कुछ ही आपको कार का कंप्लीट मिल जाएगा। कैसी लग रही है कार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। नीचे ना आपको यहाँ पर इसके बम्पर पर सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाती है, एंड ओवरऑल फ्रंट साइड लुक कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पर इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं 16 इंचेस के, जो कि रहने वाले हैं। MRF ब्रांड के टायर्स के साथ ये आते हैं। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती है, पीछे साइड पर यहाँ पर इसमें ड्रम ब्रेक्स ही दी जाती है। बाकी टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो टायर प्रोफाइल यहाँ पर इसमें मिल जाती है 215/60R16, और यहाँ पर फुट रेस्ट ये आप देख सकते हो, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर क्लैडिंग भी ना इसकी पूरी एसेसरीज में ही लगाई गई है। ओवर रियम्स आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं इस वेरियंट के अंदर। क्रोम विंडो लाइनिंग नहीं आती है, ये एसेसरीज में आप लगवा सकते हो अगर आप चाहते हो तो अपनी कार के अंदर। बाकी ये डोर वाइजर्स आप लगवा सकते हो, एंड यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, आपको स्टैंडर्ड ही मिलती हैं इस वेरिएंट से, मतलब ब्लैक कलर में ZXI वेरिएंट से मिलती है। सनरूफ आ जाती है यहाँ पर नॉर्मल साइज की, पीछे यहाँ पर शार्क फिन एंटीना। 198 mm की आपको यहाँ पर इस पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी ओवरऑल साइड से लुक आप यहाँ पर देख सकते हो कार का कंप्लीट। और ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए इन्वॉल्व वन के मस्त का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम ने एक बहुत ही मस्त सी सूदिंग फ्रेग्रेंस आपको ऑफर करता है, जो कि एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट के साथ आपको दिला देगी आपकी कार के अंदर। ऊपर यहाँ पर इसमें फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी आ जाता है, जिसकी मदद से आप इसकी फ्रेग्रेंस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिससे कि आप ज़रूर से जाकर बाय कर लें, एंड द कार शो कूपन कोड यूज़ करने पर ना आपको उसके फ्लैट 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फ्रेग्रेंस सही में यार इसकी बहुत ही ज़्यादा ना सूदिंग आपको लगने वाली है। बाकी इसको यहाँ पर इस बॉटल होल्डर के अंदर, एंड बात कर लेते हैं कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। तो बैक में आती है ना आपको यहाँ पर इसमें रियर डिफॉगर देखने को मिल जाता है, वाइपर वॉशर आ रहा है, यहाँ पर ब्रेक लाइट है LED के अंदर, एंड काफ़ी ज़्यादा ना एक्सेसरी लोडेड है इस कार के अंदर। ये वाले पार्ट्स भी आप देख सकते हो, मतलब ये पेस्ट किए गए एक्स्ट्रा लुक इन्हांस करने के लिए, ये भी ऐड किए गए। सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की बैचिंग, LED टेल लैंप्स आपको यहाँ पर इसमें पूरी मिल जाती है, एंड लुक आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इनका है। बाकी नीचे ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है, मतलब कंपनी वालों ने पूरी एसेसरी भर के लगाई है। ब्लैक लिमिटेड है, लोगों को पसंद ज़्यादा तो एसेसरी साथ बेचते हैं लोग। बाकी नीचे ना आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स हैं, और सिल्वर कलर में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक कुछ ऐसा कंप्लीट यहाँ पर रहने वाला कार का कंप्लीट। यहाँ पर इसमें कैमरा आ जाता है, एंड साथ ही यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट्स हेलोजन में आपको दी जाती हैं। और इस साइड से बिग बेरी में आपको कार कंप्लीट दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कार। एंड इंजन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिकली सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन इस कार में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर की आपको बेसिकली CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप चाहते हो लेना। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वाली है। 102 PS की पावर और साथ ही साथ 137 Nm का टॉर्क ये इंजन निकाल कर देता है, और 5-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये इंजन इस कार में मिल जाता है। ऊपर इंसुलेशन भी यहाँ पर इसमें दी जाती है। बाकी बंद कर देते हैं इसको, एंड एक बार लाइट्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा कुछ थ्रो आपको लाइट्स का मिलेगा। एंड बाहर भी देख लो, थोड़ा अंधेरा सा हो गया तो लुक और अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी LED हेडलैम्प्स, एंड ऐसा कुछ यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स इनका देखने को मिल जाएगा
रात के टाइम पे। अगर आप चाहते हो ना एक प्रॉपर नाइट टाइम, प्रॉपर जैसे मैं वीडियोस वगैरह बनाता ही हूँ, तो प्रॉपर रात की एक डिटेल्ड वीडियो ब्रेजा की, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए ज़रूर से बना दूंगा। यहाँ पे आपको डोर पैड दिखाता हूँ, सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर कर कि आप देख सकते हो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको डोर पैड मिल जाता है। ड्यूल टोन के अंदर ही आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। ओवर भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल, ट्विटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग है, स्पीकर नीचे दिया गया है। डोर ओपनिंग काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती है कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने के लिए। बाकी ब्रेजा की आपको यहाँ पर इसमें बैजिंग मिल जाएगी, इसके ऊपर पैर रखकर आप आराम से एंटर कर सकते हो अगर आप ये एक्सेसरी में लगवाते हो तो। बाकी मैनुअल एडजस्टमेंट आएगी इसकी सीट्स के अंदर, जिसकी आप यहाँ पे हाइट भी एडजस्ट कर पाएंगे। सीट कवर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, फैब्रिक सीट्स आती है वैसे तो इसके अंदर, बट ये लेदर सीट कवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं स्पेसिफिक वेरियंट के अंदर एक्सेसरीज के वे में। बाकी अब मैं आपको यहाँ पर इसकी कीज़ दिखा देता हूँ, तो ये है इसकी कीज़, लॉक अनलॉक ऑप्शन के साथ आएगी। सुजुकी का लोगो आप देख सकते हो, ब्लू कलर में आपको ये मिलती है क्योंकि एरेना के शुरू में ये कार, बाकी अगर आप देख सकते हो लोगों तो ब्लैक मिलती है पीछे से। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ दिया गया, डोर प्रेस का इग्निशन ऑन एंड ये एक्स्ट्रा स्विच ऐड कर देती है कंपनी अगर आप चाहते हो तो फॉग लाइट वाला। बाकी ऐसे ऑन होगा फॉग लाइट ऐसे, और ये ऑन होगी ठीक है। बाकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, हेडलाइट लेवलर है, एसी वेंट है, कैबिन ऐसा कुछ ही आपको मिल जाता है कंप्लीट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओवरऑल प्रीमियम है कैबिन इसका भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर में एमआईडी स्क्रीन, राइट में स्पीडोमीटर, लेफ्ट में आरपीएम मीटर, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपको मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स दिए गए, इधर आपको क्रूज कंट्रोल भी इस कार के अंदर मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प्स मिसिंग है, ऑटो वाइपर्स भी मिसिंग है जो कि आपको हाई वेरियंट्स में मिलते हैं। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील भी मिसिंग है जो कि आपको जेड एक्स ए प्लस में मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में ना एडजस्ट कर सकते हो इस कार का, जो कि एक अच्छी बात है। स्क्रीन आपको यहाँ पर इसमें 7 इंचेस वाली दी गई है, टॉप एंड के अंदर आपको 9 इंचेस की मिल जाती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है, और आपके यहाँ बेसिक फीचर्स ए एम एफ एम ब्लूटूथ यूएसबी तो मिलते ही हैं इस कार के अंदर। यहाँ पर 2 AC वेंट्स हैं, हजार लाइट का स्विच, ऑटो AC आपके यहाँ दिया जा रहा है, स्टोरेज स्पेस, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, USB का पोर्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ गियर लिवर है, रिवर्स गियर लगा अंदर आपको यहाँ पे कैमरा का डिस्प्ले मिलेगा। एंड कैमरा क्वालिटी इज ओके इश मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं, आपका काम अच्छा खासा इसे चल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स का भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले साथ ही मिल जाएगा अगर आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 5 स्पीड मैनुअल है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। पीछे आपको यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है इस वेरिएंट के अंदर, जो कि आपको जेड एक्स प्लस में मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस है, हैंड ब्रेक, यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर्स हैं, सीट्स कुछ ये इस तरह की आपको मिल जाती है। ओवरऑल कंफर्टेबल हैं सीट्स, बट वो ये फैब्रिक में आपको मिलती हैं, आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हो शोरूम एंड से। यहाँ पर आपको अगेन फैब्रिक मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किए गए हैं इस कार के अंदर। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस के साथ मिलता है, कूल्ड नहीं है ये। अगर आप टॉप एंड लोगे ना ZXi+, उसके अंदर यहाँ पर पूरी एम्बियंट लाइट भी आपको मिल जाती है जो कि इसके अंदर नहीं है। सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं यहाँ, और यहाँ साइड पे कोई भी कर्टन या सीट्स के साइड्स पे एयरबैग्स नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर इसमें ABS, ABS, ब्रेक असिस्ट, चॉइस ऑफ एक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी तो यार गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है जरूर से वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऊपर यहाँ पर इसके अंदर सनशेड में लाइट आपको मिल जाती है, ऊपर मिरर भी यहाँ पर इसमें ये दिया जा रहा है, और इधर आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलेगा। 2 लाइट्स यहाँ पर दी गए हैं, इलेक्ट्रिक सनरूफ आ रही है, 1 टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ, तो सिंगल प्रेस में भी हाँ ये सिंगल प्रेस में चल गई है। बाकी ब्लाइंड को आप यहाँ पे मैन्युअली ओपन या क्लोज कर सकते हो। सनग्लास होल्डर आ जाएगा यहाँ पर, इसमें दिया गया है मैनुअल डे नाइट आईआरवीएम, ऑटो आईआरवीएम आपको टॉप एंड ZXi+ के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी तो यहाँ का ऐसे कुछ था, कैबिन इग्निशन ऑफ कर देते हैं एंड अब चलते हैं एक बारी बैक सीट में, देखते हैं कि बैक सीट में बेसिकली क्या कुछ इस कार में ऑफर किया जाता है। तो ये गाइस इस कार का बैक डोर जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको ये मिल जाएगा, ड्यूल टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर के अंदर ही आपको ये भी मिल जाएगा। पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिशिंग मिलेगी, बॉटल होल्डर, स्पीकर, क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है। डोर ओपनिंग यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी आपको ओवरऑल मिल जाती है कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने के लिए। बाकी तो अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको कार के, तो अंदर आप देख सकते हो 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि है एडजस्टेबल टाइप के, आर्मरेस्ट यहाँ पे बॉटल होल्डर्स के साथ आता है यहाँ पर, और AC वेंट्स भी दिए जा रहे हैं नीचे की तरफ, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट है, मैप पॉकेट है एंड डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कम्प्लीट आपको मिल जाता है कार का। बैक सीट से सनरूफ का व्यू आप ले लोगे पीछे बैठ कर। बाकी अंदर कितनी को स्पेस है यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं, तो यार देखो अंदर इस कार में ठीक ठाक स्पेस आपको वैसे मिल जाती है। मेरी हाइट 6 फीट है फॉर रेफरेंस एंड ओवरऑल ठीक है, नी रूम भी ठीक है, लेग रूम भी ठीक है,
और हेडरूम भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा कोई कमी फील नहीं हो रही है किसी के अंदर, बट वही अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा हेडरूम, थोड़ा और नी रूम एक्स्ट्रा होता तो ज़्यादा ओवरऑल बढ़िया बन जाता, बट ये भी मेरे हिसाब से ठीक है अगर आपके 6 फीट तक है तो। बाकी यहाँ का ऐसे कुछ था कंप्लीट सेटअप, और यहाँ पे सेंटर में ना थोड़ा सा भी आपको देखने को मिल जाता है। और अब आपको बाहर लेकर चलता हूँ, एंड ये जो मैट्स आपको देखने को मिल रहे थे ना, ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है, ये भी आप लगवा सकते हो शोरूम एंड से। और अगर कॉस्टिंग वगैरह की बात करें, प्रॉपर एक्सेसरीज की कॉस्टिंग, अगर आप चाहोगे तो एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा उसके ऊपर भी क्या कुछ एक्सेसरीज वगैरह होती है। वैसे तो यहाँ पर सब लगा के रखते हैं, बट ये कार ऑलरेडी सेल हो चुकी है, देखो बुक्ड आ गया तो उन्होंने हटा दिया क्योंकि डील जब होगी फाइनल क्या लगा के रखना। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, लिखा बूट स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन आ जाएगा यहाँ पर, और रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया कीलेस एंट्री के लिए। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है, 328 लीटर्स का, जो कि रियर सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आएगी, पार्सल पे आ जाती है। यहाँ पर बूट लाइट है, इसके नीचे स्पेयर व्हील है सेम साइज़ का, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक आपको यहाँ पे जगह इसकी मिल जाती है। 4 एडल्ट जा रहे हैं तो आराम से उनका सामान इसमें आ जाएगा। और यहाँ से बंद कर देते हैं इसको, एंड ओवरऑल मैं कार की बात कर लेते हैं। देखो 1.5 लीटर का नेचुरल पेट्रोल इंजन चल जाती है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। हाइब्रिड ऑप्शन यहाँ से हटा दिया, मतलब बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी थी इसके अंदर से वो हटा दी है मारुति ने। माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, उससे 1 से 1.5 किलोमीटर का फर्क आ गया है पहले वाली ब्रेजा और इस ब्रेजा में। बाकी ओवरऑल कार अच्छी है, इंजन रिलायबल है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर से आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। बाकी ब्लैक कलर लोगे तो PPF या फिर कुछ ग्रेफीन कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग ज़रूर से करा लेना, क्योंकि देखो शोरूम के अंदर खड़ी खड़ी भी ना थोड़े थोड़े निशान तो आ ही जाते हैं। बाकी तो ओवरऑल कार कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में को ज़रूर से बताना, और साथ ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व केमर्स का, परफ्यूम का, जिसे जाकर आप ज़रूर से बाय कर लें। बाकी इतना ही था वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। प्राइसिंग रह गई है, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, 11.02 एक्स शोरूम प्राइस है अभी फिलहाल इस कार का 2023 नवंबर में मैं ये शूट कर रहा हूँ। बाकी ऑन रोड अगर बात करें 12.75 ये पड़ जाती है ऑन रोड चंडीगढ़ में। बाकी यही थी कंप्लीट वीडियो, थैंक यू।